वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन करेंगे आनंद वर्धन सिंह। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और द पब्लिक इंडिया के फाउंडिंग एडिटर हैं, संस्थापक संपादक। सो मिस्टर आनंद वर्धन सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट एंड फाउंडिंग एडिटर ऑफ द पब्लिक इंडिया, विल मॉडरेट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो ओवर टू यू आनंद वर्धन सिंह जी, प्लीज। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी जी, आप सब लोगों का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग एक ऐसे वातावरण में कर रहे हैं जब देश में एक अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल है और कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी भी ये कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि रात में 9 से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू क्यों है। क्योंकि इस देश में आज 9 से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू है, उसका कोई कारण नहीं है। दिन में लोग घूमते फिरते हैं, लेकिन रात में क्या करते हैं और क्यों कर्फ्यू लगाया गया है, उसका जो एक कॉमन सेंस से बात निकलती है, वो इसलिए है शायद कि वो ताकत अपने हाथ में सरकार रखना चाह रही है कि जब आपको चाहे तो आपकी की जबान, जिसको कहते हैं, बंद करने का काम हो सके। प्रोफेसर मनोज झा के पास सीधे आ रहा हूँ, उनका क्लास है फिर, और अपने व्यस्त टाइम में भी उन्होंने इस काम के लिए समय निकाला। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के जो जो नीति निर्देशक हैं भरत गांधी जी, वो अरेस्ट हुए थे मार्च महीने में। 2 महीने तक पुलिस ने कोई चार्जशीट नहीं फाइल की और जो कानून के मुताबिक उनको 13 मई को उनकी जमानत हो गई है। अब 13 मई को जमानत के बाद वो अभी भी बाहर इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको खतरा है, वहां के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको अगवा करने की बात हो गई है, और वो बार बार आग्रह कर रहे हैं कि मुझे दिल्ली तक या लखनऊ, जो उनका गृह राज्य है, वहां तक कम से कम सेफ पैसेज का पाथ हो जाए। मैं मनोज भाई आपसे, इस सारे वातावरण में जब देश का ये है और भरत गांधी जी की जो एक उनकी जो एक डिमांड है, उस पे हमारी और आपका विरोध हो सकता है, कोई अपनी राय हो सकती है, लेकिन वो एक वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के मुख्य वो हैं, अध्यक्ष हैं, उनको जिस ढंग से वहाँ नागालैंड में वो अभी कैद हैं, उस पे मनोज भाई उस पे भी, और थोड़ा जो आज का के परिपेक्ष में जो देश में चल रहा है उसमें भी आपकी राय जानना चाहेंगे मनोज झा साहब। और हम एक चीज, मैं इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले एक चीज भूल गया, हमारे सबसे यंग मतलब 52 साल की उम्र, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में लोग इस समय छात्र राजनीति पे भी लोग करते रहते हैं, मनोज झा जी को सबने खूब ठीक से टीवी पे सुना है, जब वो बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं। आज भरत गांधी जी के आप वकील होके कुछ उनके बारे में बोलिए। शुक्रिया शुक्रिया आनंद जी, संदीप जी, बॉबी जी, पंकज भाई को मैं देख रहा हूँ, शिव नारायण जी, और कुछ लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, शिवाकांत जी मसलन। इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कल संदीप भाई से बात हो रही थी। मेरे साथ जो एक मेरे सहकर्मी काम करते हैं, उनके माध्यम से तकरीबन 20 दिन 25 दिन पहले हमें शिवाकांत जी के बारे में जानकारी मिली, भरत भाई के बारे में जानकारी मिली, फिर शिवाकांत जी वहां से निकल करके आए। दो चीजें इस कोरोना पेंडेमिक ने, जो आप सब मुझसे शायद बेहतर ही जानते हैं, इसने पूरे के पूरे पॉलिटिकल ऑर्डर को अनसेटल कर दिया है। पूरी दुनिया में हुआ है, लेकिन अपनी दुनिया में यानी हिंदुस्तान में ये कुछ ज्यादा ही त्वरित गति से हो रहा है। भरत भाई पे आने से पूर्व मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगा। मैं गवाह भी हूं कोर्ट में भी, ये जो छात्रों की गिरफ्तारियां हो रही हैं जो एनटीसीए प्रोटेस्ट में थे, कमाल का आपको मॉडस ऑपरेंडा लगेगा, एक चिट्ठी जाती है, एक फोन जाता है कि आइए बातचीत के लिए आपको बुलाया गया है, बातचीत के लिए वो जाते हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होती है, और उसके बाद एक दिन बाद, चार एक दिन के बाद उनको फ्रेम किया जाता है, तब भी धाराएं वो नहीं लगाई जाती है, और पहली पेशी के बाद उनको यूएपीए में, अधिकांश लोगों को यूएपीए में डाल दिया जाता है। अब एक महामारी से लड़ने के दौरान जहां राज्य की पूरी शक्ति इस महामारी से लड़ने में समायोजित होनी चाहिए थी, उस महामारी के दौर में ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, और ये नैरेटिव सिर्फ पुलिस गढ़ रही हो मैं नहीं मानता, क्योंकि पुलिस कुछ के माध्यम से कौन गढ़वा रहे हैं ये इस बात से भी हम वाकिफ हैं। दिक्कत क्या है, एक छोटा उदाहरण दूंगा, जब न्यायालय नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो उस वक्त क्या होता है कि जब आप जज भी कोर्ट में नहीं आते हैं, अधिकांश वो घर से ऑपरेट कर रहे हैं। दो अवसरों पर मैंने देखा है कि घर के गेट के बाहर ही
एक वकील हमारी तरफ से हैं, दूसरी तरफ से पुलिस के लोग हैं, पुलिस का वर्जन है, और जज पुलिस का वर्जन सुन के 21 दिन की पुलिस कस्टडी दे देते हैं, कोई चर्चा नहीं होती है। तो सबवर्जन ऑफ रूल ऑफ लॉ पहले भी होता था, मैं इनकार नहीं करता हूं, भरत भाई पहले भी गिरफ्तार हुए हैं जब दूसरा निजाम था, दूसरी हुकूमत थी। लेकिन आज के दिन में दिक्कत क्या है ना कि एक नैरेटिव ही ऐसा गढ़ दिया गया है कि अगर ऑफिशियली कह दिया गया कि ये जो छात्र थे या सब वर्जन में थे, दिल्ली की हिंसा में थे, तो मीडिया का एक बड़ा वर्ग भी, जैसे अगर हम लोग के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया के कुछ मेनस्ट्रीम मीडिया के कुछ लोग अगर देखें तो वो इससे क्या निकाल के क्या चलाएंगे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, हम लोगों ने ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 5-7 एमपी भी थे, बाकी लोग थे। उसके बाद एक टेलीविजन चैनल में शाम को खबर चली कि हम लोग पोग्रोम लॉबी है, और मेरी भी तस्वीर थी, कई और साथियों की तस्वीर थी, प्रशांत भाई की तस्वीर थी, अपूर्वानंद की तस्वीर थी, और ये कह करके पोग्रोम लॉबी। ये माहौल है, इस माहौल को हम आप सब समझते हैं, इसका निराकरण किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हो निदान, मुझे अभी नहीं दिखता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी कोरोना कंसेंसस के नीचे दब सी गई है, लगता है कि नहीं नहीं इस पर अभी नहीं बोलना चाहिए, इस पर रुकना चाहिए। अब नागालैंड को लेकर के जो मेरी दिक्कत है, वो दिक्कत सबसे फौरी तौर पर यह है कि नागालैंड में रिट किसका चल रहा है, स्टेट नाम की कोई चीज है कि नहीं, नागालैंड के अकॉर्ड को कितनी मध्य रात्रि के तमाशे की तरह पेश किया गया। लेकिन अभी जो हालात शिवाकांत जी वाले मसले में चूंकि हम लोग इंटरवीन किए तो कुछ पता चला, और अभी भरत भाई की किस्म कि अगर वहां इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं तो क्या राज्य है, स्टेट नाम की कोई चीज है, और अगर स्टेट नाम की कोई चीज नहीं है तो ये राज्य की असफलता का भी द्योतक है। हमारा ये मानना है कि हम लोग इस पूरी चीज को अलग ना देखें, भरत भाई की गिरफ्तारी वहां, उनका बेल होना, फिर भी एक दबाव, एक डर और खौफ का माहौल, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अलग हिस्सों में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सुधा जी हों, आनंद तलमगुडे हों, या अन्य लोग हों, भीमा कोरेगांव वाला पूरा केस, मैं अक्सर अब तो कई लोग ये कहने लगे हैं कि ये पूरा मॉडल है कि पहले विक्टिमाइज करने से पहले उनको डिनेग्रेट कर दो, उनका दानवीकरण कर दो, उनके बारे में बोलने वाला भी दाना भी दिखेगा। हम मुझे लगता है कि हमें एक ये नैरेटिव से भी लड़ाई लड़नी होगी, और दूसरा भरत भाई के बारे में आपने सब बता दिया, मैंने भी बीते दिनों में काफी कुछ जानने की कोशिश की है। हम लोगों को दो लेवल पर लड़ना होगा, एक नैरेटिव के लेवल पर जो मैंने कहा, और दूसरा जो भी हो सके पिटीशन करना हो, हायर अथॉरिटीज के पास जाना हो, ये सुनिश्चित करके भरत भाई को वहां से वापस लाना होगा। यही मेरे रिमार्क्स हैं, और मैं मानता हूं कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि कोरोना के मध्य में हुकूमत ने एक तरह से पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया है, और उसका परिलक्षण अभी हमने कम देखा है, आने वाले दिनों में शायद ज्यादा दिखे। शुक्रिया, शुक्रिया आनंद भाई। आनंद भाई अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हो गया। मैं एक प्रश्न जरा बीच में आपसे कर लेना चाह रहा हूँ कि कोरोना की बात है, पूरा देश कोरोना तो सुनना ही चाहेगा, आप जब मुझे मिल गए तो मैं जरूर पूछूं। आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर, चीफ जस्टिस, दिल्ली के मुख्यमंत्री, कोई जिम्मेदारी लेगा दिल्ली की? बाकी तो देश का छोड़ दीजिए, बाकी देश तो आत्मनिर्भर हो गया है, दिल्ली के आप लोगों में से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार? आनंद भाई माफी के साथ कहूं, आज ही सुबह किसी को कहा कि लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ, आप हम सब जानते हैं फर्स्ट सेकेंड लॉकडाउन तक प्रवासी मजदूर कोई चीज होता है किसी को पता भी नहीं था, वो तो धन्य हो आप जैसे साथियों का, मीडिया के कुछ साथियों का, मेन स्ट्रीम नहीं, साइड स्ट्रीम वाले मीडिया के साथियों का, कि हमें लगा कि हमारी जिंदगी में कोई प्रवासी मजदूर भी है। दिल्ली को लेके मैं चिंतित इसलिए भी हूं कि अब मतलब कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझको लगता है कि एक जो कंप्लायंस की जुबान हो जाती है, जो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पॉलिटिक्स में, अगर आज की डेट में मैं सहूलियत सुविधाओं पर सवाल उठाऊं तो मैं सरकार को कमजोर करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहा हूं, सरकार को सलाह देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन
लोग सुनने को तैयार नहीं है, और ये हमारी सामूहिक असफलता भी है आनंद भाई। मैं एक चलते चलते प्रश्न और, क्योंकि आज बिना उसके देश में कम से कम हमारे जो गृह मंत्री हैं उनको नहीं आता है। क्या ये समय है आपको ये कहने का कि पॉलिटिक्स होने आ रही है, इलेक्शन होने जा रहा है, आप पॉलिटिकल शरणार्थी हो जाएंगे, ये इस पे भी तो मतलब कोई बोल ही नहीं रहा है कोई? आनंद भाई आपको मैं बताऊं, चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग था, मैं बताऊं, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा हूं, आपके बीच में बैठा हूं। मार्च 12 तारीख के बाद हमने कोई पॉलिटिकल सम्मेलन नहीं किया है, कोई पॉलिटिकल कन्वर्सेशन नहीं किया है, और हम जानते हैं हो सकता है नतीजे जो भी हो चुनाव के, लेकिन अभी बिहार के अंदर चुनाव की बात करना लगता है ना कि शमशान में आप विवाह का गीत गाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं इससे इसलिए क्योंकि अच्छा, एक इनका जो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल वाला मामला है, एक और कर दें, इनके भाई भी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी को लंदन और न्यूयॉर्क और कहां कहां से उठा के यहां ला सकते हैं, तो भरत गांधी जी को तो अगर सरकार चाहे तो एग्जैक्टली मुझे उम्मीद है कि हो सकता है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम एक कॉमन पिटीशन कई और भी पॉलिटिकल पार्टीज से बात करें और हम महामहिम को दें, बाकी सरकार के लोगों को दें, लेकिन महामहिम ओवरऑल हेड ऑफ द स्टेट है। और अगर नागालैंड में से एक व्यक्ति सिर्फ आने इसलिए नहीं दिया जाए कि आप उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते, तो इसका मतलब कि हमने एक तरह से, तो देयर इज नो स्टेट, जो मैंने कहा वर्चुअली इन नागालैंड, तो ये किसके पास शिकायत लेके जाएंगे, महामहिम को कहेंगे जी। मैं एक चलते चलते आपसे, क्योंकि आपका क्लास है बच्चों की, शायद इस समय कुछ एक अच्छा काम आप ये कर रहे हैं कि पढ़ा के बच्चों को तो कम से कम ठीक जगह कर रहे हैं, हम सब लोग तो आपसे चलते चलते, आज एक सर्वदलीय बैठक है, आपकी पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है? वो दिल्ली के पॉलिटिकल पार्टीज की सर्वदलीय बैठक है। अच्छा, दिल्ली के पॉलिटिकल पार्टी, आप लोग तो आप निर्भर हैं, आप लोगों को कोई? सर हम लोग आत्मनिर्भर क्या रहेंगे, हम तो ये देख रहे हैं ना कि राजनीति का पूरा स्वरूप बदल रहा है, बीजेपी को अपोजिशन भी अपने जैसा ही चाहिए, आप जैसा अपने आप। मैं बहुत सवाल थे क्योंकि वो सवाल कहीं और चले जाएंगे इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे, मैं जरूर आपसे एक बार फिर से बात करना चाहूंगा, क्योंकि नीतीश आनंद जी जरा मैं मनोज भाई जाए इसके पहले, मैं एक तो मनोज भाई ने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है कि राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया जाए, तो अगर कुछ और सांसदों के साथ, संजय सिंह जी अभी शामिल नहीं हो पाए हैं लेकिन वो इस मुद्दे पे हमारे साथ हैं, तो यदि मनोज भाई पहल लेते हैं और राष्ट्रपति से जाके कुछ लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार संजय घोष की याद आती है जो गए थे वहाँ पूर्वोत्तर में काम करने, और वहाँ अल्फा के इलाके में माजोली ब्रह्मपुत्र में, और उनका अपहरण हो गया और उसके बाद पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ चले गए, तो भरत गांधी के साथ वैसा ना हो इसके लिए अगर आप ये पहल लेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण पहल। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं, मेरे साथी अगर कोई पत्रकार प्रश्न पूछना चाहते हो। थैंक यू मनोज भाई, आपको फिर से हम एक बार आगे तकलीफ देंगे। जिंदाबाद। पुष्कर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आज जो ये सारी बातचीत हो रही है वो बातचीत भरत गांधी की है, नहीं तो आम आदमी पार्टी की बातचीत आज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली के लेके बहुत सब लोगों को एक, सब लोग देख रहे हैं दिल्ली की तरफ, आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन आज फिर वापस हम वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के जो अध्यक्ष हैं भरत गांधी जी की रिहाई की बात कर रहे हैं। आपसे आशा करते हैं, आप लोग लड़े हैं, आप लोग आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, पुष्कर जी आप लोगों को का एक साथी वो चाहे किसी भी जगह हो आम आदमी के लिए लड़ा है उसने, तो आपको कैसा लगता है कि कभी जब एक भरत गांधी जैसा व्यक्ति जो नागालैंड में जाके, जहाँ मुश्किल है, मतलब जहाँ पे मुश्किल है बोलना भी, जहाँ पे बहुत सी जगहों पे अपना कारोबार करने के लिए लोगों को खुलेआम पैसे देने होते हैं, ये पता है सबको, ऐसी जगह पे भरत गांधी को हम और आप कैसे मजबूती दे सकते हैं? पुष्कर जी, आप जैसा खास करके आंदोलन से निकला हुआ आदमी। जी धन्यवाद आनंद जी, और सभी दोस्तों को नमस्कार। सबसे पहले तो सही परिचय के साथ शुरुआत हो, मैं यहाँ आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधि के तौर से उपस्थित हूँ, लेकिन उससे पहले की एक भूमिका ये बनती है कि पूरे देश में तीन परिवार हैं, एक तो बहुचर्चित गांधी परिवार है,
एक दूसरा संघ परिवार है और एक आंदोलन वालों का परिवार है, एक उन लोगों का परिवार है जिन्होंने अपना जीवन आंदोलनों में लगाया है और आंदोलनों से सीखा है, और आज वो चाहे किसी भी भूमिका में है, किसी राजनीतिक दल में है, किसी संगठन में है, लेकिन उनकी जड़ें जो है आंदोलनों में है। और इस नाते भरत गांधी जी से एक परिचय, एक संबंध बनता है। उन्होंने अपने जीवन का एक अच्छा खासा समय मेरठ में बिताया है, जहां मैं एक विद्यार्थी हुआ करता था, और आर्थिक समानता के सवाल हम सब लोगों के चिंता में प्रमुख रहे हैं, उसको लेकर एक बिल्कुल नई दृष्टि भरत गांधी जी ने दी है। तो भरत गांधी जी इस पूरे देश का जो आंदोलन कर्मियों का परिवार है उसके एक बहुत सम्मानित और बड़े प्रखर, बड़े मेधावी, अपने आप में एक बड़ी नवीन समझ रखने वाले एक साथी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक जो नागरिकता की जो राजनीति है, एक राजनीतिक और आर्थिक समानता की जो राजनीति है, उसको करने की एक नई परिपाटी शुरू करने वाले साथी रहे हैं। तो उनकी विश्वसनीयता, उनके परिचय के बारे में कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। पर आज ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता, एक पार्टी का अध्यक्ष अगर इस तरह की एक चुनौती को झेल रहा है, तो वो चुनौती पूरे राजनीतिक समुदाय के सामने है, वो पूरे आंदोलन की परंपरा के सामने है। तो इस दृष्टि से अगर बात करें तो सवाल ये है, मनोज झा जी चले गए हैं, उन्होंने सवाल ठीक उठाया, और उससे पहले एक सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साथी हमारे सुहास पलसीकर हैं, उन्होंने एक लेख लिख के एक तरफ ध्यान दिलाया कि इस लॉकडाउन के साथ साथ एक नई चीज हुई क्या है कि राजनीति का स्थगन हुआ है। मनोज झा जी ने भी ये बात दोहराई, राजनीति के स्थगन का मतलब क्या है कि कोई भी बात जो कि सार्वजनिक है, सार्वजनिक चिंता करना, सार्वजनिक हित की बात करना, सार्वजनिक पहलकदमी करना, क्या केवल और केवल सरकार, केवल पीएम और उनकी मन की बात का ही दायरा रहेगा, या फिर एक नागरिक की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह हर किसी की एक भूमिका, एक जैसी कि लोकतंत्र में होनी चाहिए, वो रहेगी। तो आज जो एक लोकतंत्र का स्थगन का जो दौर चल रहा है, राजनीति के स्थगन का जो दौर चल रहा है, उस स्थगन की अवधि में एक नई चुनौती सामने आई है। एक भरत गांधी जैसे व्यक्ति का, उनका एक बड़ी गैर संवैधानिक किस्म की हिरासत में लिया जाना, उनको एक बड़े फ्रिवलस बहुत ही मामूली आधारों पर जुडिशियल कस्टडी के अंदर रखना, उनके दो राजनीतिक कार्यकर्ता साथियों का अपहरण होना, और अपहरण होने के बाद उनको एक सतत चिंता और एक असुरक्षा के बीच रखना। तो सीधी सीधी बात यह है कि सवाल हम सभी लोकतांत्रिक समाज के सदस्यों के सामने ये है कि इस देश में केवल हिंसा और प्रतिहिंसा होगी, या एक संवाद, एक राजनीतिक पहलकदमी, राजनीतिक कोशिशों का एक दौर बना रहेगा। हिंसा जहां की राज्य की हिंसा होती है, एक हिंसा जो कि समाज के अंदर हिंसा होती है, और एक जो उससे पीड़ित लोग हैं वो भी कई बार प्रतिहिंसा का सहारा ले लेते हैं, या उनको लगता है कि संवाद की गुंजाइश नहीं है, लोकतांत्रिक कोशिशों का कोई असर नहीं है, तो अगर कुछ होगा तो केवल प्रतिहिंसा से होगा, एक कोई उग्रवादी समूह बना के होगा। तो ये जो एक बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, नागालैंड की स्थिति एक बहुत चुनौतीपूर्ण है। नागालैंड के अंदर जाके राजनीतिक कोई काम करना, कोई एक राजनीतिक दायित्व का निर्वाह करना ही अपने आप में इतनी बड़ी देशभक्ति का नमूना है, जिसका कि चुनाव भरत गांधी जी ने किया। वहां भारत को पराया माना जाता है बहुत सारे लोगों के बीच, लेकिन ऐसी स्थितियों में भरत गांधी जी ने इस देश को आर्थिक लोकतंत्र देने की पहलकदमी करने की वहां पर एक समूह बनाया, एक कैडर के बीच बात कर रहे थे, वहां जो उनकी एक दृष्टि है आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक स्वराज्य देने की, उसकी बात को सामने रखा, उस पर एक बहुत ही तकनीकी से आधार पर उनको जेल में बंद रखा गया, और उसकी आड़ में वहां की जो एक तनावपूर्ण हिंसा प्रतिहिंसा की राजनीति है, वहां की राज्य की हिंसा है जिसने कि नागरिकों के अधिकारों का दमन किया है, और उसके जवाब में एक प्रतिहिंसा करने वाले कुछ समूह बने हैं, इसके बीच जो उन्होंने एक लोकतंत्र का जो दायरा बनाने की कोशिश की है, भरत गांधी तो इस देश के सबसे खूबसूरत किस्म के, सबसे बेहतरीन किस्म के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, उनके एक प्रतिनिधि है, उनके स्वर है। तो सवाल हमारे सामने ये आता है कि हिंसा और प्रतिहिंसा की राजनीति के बीच लोकतांत्रिक स्वर को जिंदा रखने वाले लोगों को हम कैसे बचाएं, ऐसी आवाजों को कैसे बचाएं, ऐसी आवाजों को कैसे सुरक्षा दें। तो इसलिए भरत गांधी जी की सुरक्षा का सवाल, इस देश के अंदर आर्थिक न्याय के सवाल को जिंदा रखना, और आर्थिक न्याय के सवाल को उठाने वाले कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने के लिए, सवाल से जुड़ा हुआ है, एक सिविल राइट से जुड़ा हुआ है,
एक नागरिकता के धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कर क्या सकते हैं? आज जो उनकी पूरी विचार है, जिस बात को लेकर भारत गांधी जी चले हैं, या जो वोटर पार्टी इंटरनेशनल का फलसफा है, वो एक हमारी चर्चा का विषय नहीं है। एक विशुद्ध तौर से अहिंसक तरीकों से संविधान के दायरे के अंदर राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर अगर कोई काम भारत के किसी भी हिस्से में करता है, तो निश्चित रूप से ये हमारे राज्य के अंदर अपने मूलभूत संविधान के प्रति, संविधान की मूलभूत संकल्पना के प्रति जो निष्ठा है, उस निष्ठा की परीक्षा का समय है। निश्चित रूप से बिल्कुल सही मनोज झा जी ने कहा, संदीप भाई ने कहा कि इसको एक सभी सर्वदलीय बहुदलीय सांसदों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रपति के पास पहुंचने का एक पहलकदमी हो, लेकिन वो एकमात्र उपाय नहीं हो। ये हमारे पूरे राजनीतिक समुदाय के अंदर, हमारी पॉलिटिकल कम्युनिटीज के अंदर, अक्रॉस पार्टी सभी संगठनों से पार जाते हुए, सभी राजनीतिक दलों से पार जाते हुए आज जरूरत इस बात की है कि हम जो एक हिंसा प्रतिहिंसा के बरक्स एक लोकतांत्रिक संवाद, आर्थिक असमानता को गहराए जाने के बीच में आर्थिक न्याय के स्वर को जिंदा रखने वाले कार्यकर्ता को सुरक्षा देने के सवाल को हम एक आज राजनीतिक सवाल बनाएं। सभी दल, सभी संगठन, सभी राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति इस सवाल को अपना सवाल समझें। मुझको ये कहना फिलहाल जरूरी लगता है। मैं पंकज जी इसमें एक सवाल और जरा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जो ये बात अपने भरत गांधी जी कहते हैं, वो कहीं साझे धन की बात करते हैं और वो बात करते हैं कि जो भी वोटर है उसको एक निश्चित रकम उसके खाते में जानी चाहिए। आज जब ये कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, और ये तो जिसका भी गांव से थोड़ा बहुत संबंध है, मैं गांव इसलिए बोल रहा हूँ कि शहर में शायद ये उतना दिक्कत ना हो, गांव में है तो ये तो बहुत ही जरूरी है कि इस समय अगर आप डायरेक्ट ट्रांसफर पैसे का नहीं करेंगे तो आप एक बड़ी आबादी को, आधी से ज्यादा आबादी को आप कहीं बहुत दिक्कत में फेंक रहे हैं। और ये उसके पीछे जो भी हो, वो जो भी तथ्य हो, लेकिन शायद भरत गांधी जी इसको बहुत दिनों से उठा रहे थे। आज ये समय है उसका, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भी बात करते थे जो भरत गांधी जी कहे कि भाई इनका वो था जिसको लेके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको उसकी रीपैकेजिंग करके उसको फिर से कर दिया। आज क्या आपको नहीं लगता है कि कोरोना वायरस के समय एक देश की बड़ी आबादी को, और खास करके जो वंचित हैं और जो प्रवासी रहे, उनको डायरेक्ट बेनिफिट की कोई जरूरत है? मतलब इसमें पैसा तो बिना कुछ सोचे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत है? ये बिल्कुल सही बात है। दरअसल इस देश का दुर्भाग्य ये है कि संख्या में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने की आर्थिक न्याय के सवाल को गहराई से समझा है और कहने का साहस जुटाया है। इस देश के अंदर एक पाखंड छुपा हुआ है, जातिगत स्तर पर है और वर्ग विभेद के स्तर पर है। जिन लोगों ने कहा है उनमें भरत गांधी जी ने सबसे एक बड़े तीखे और बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है, कुछ और लोगों ने भी कहा है, सवाल डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का नहीं है। उससे गहरा सवाल, पहला सवाल ये है कि देश है किसका, इस देश के संसाधन है किसके? अगर वो संसाधन किसी निजी मिल्कियत के नहीं है, डॉक्टर बी डी शर्मा भारत जन आंदोलन के हुए, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इमिनेंट डोमेन पर सवाल खड़ा किया कि देश के सारे संसाधनों का सार्वभौम अधिकार केवल राज्य का है, ये यूरोपीय उपनिवेशवाद से उपजीवी अवधारणा है जिसको मानने की जरूरत अन्य देशों को कतई नहीं है। तो अगर संसाधन है जो कि प्राकृतिक है, तो वो प्रकृति के सभी संसाधन जिसमें कि सभी कुछ शामिल है, कोई भी अगर मुद्रा का विस्तार हो रहा है तो वो उसी संसाधनों का का एक आउटकम है, उसी का परिणाम है, तो उस पर नैसर्गिक तौर से सबका एक न्यायोचित तरीके का अधिकार है, ये बनता है। तो इसी बात को एक वोटरशिप का एक एंटाइटलमेंट के तौर पर, इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वोटर, जो भी इस देश में नागरिकता, इस देश में की लोकतांत्रिकता के अंदर भागीदारी निभा रहा है, उसकी इस देश के संसाधनों में स्थायी भागीदारी भी है और रिकरिंग उसकी एक भागीदारी भी है, उसकी पूरी मासिक तरीके से भी भागीदारी है, ये मानने का बिल्कुल एक ठोस तरीका भरत गांधी जी ने दिया। तो ये बात तो जब भी गहरी चर्चा में आएगी, ये तर्क अकाट्य तर्क है, इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको टाला जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है, लेकिन आप इस तर्क की गहराई में जाएंगे तो इस तर्क को तो नकारा नहीं जा सकता कि हर व्यक्ति को जो इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के नागरिक समाज में भागीदारी निभा रहा है, वो उत्पादक है इस देश का, इस देश को बनाने वाला है, इस देश का मालिक है, इसलिए इस देश के संसाधनों में, इस देश के ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट है उसमें उसकी मासिक एक हिस्सेदारी है। उसी को फॉर्मुलेट किया भरत गांधी जी ने 2016 के दर पर 6,000 रुपए मासिक के हिसाब से,
इस बात को आज लागू करने की कहीं और आवश्यकता और भी ज्यादा आवश्यकता है और बिल्कुल उपयुक्त समय भी है इस बात को गहराई से चर्चा करने की। मैं थोड़ा एक लिबर्टी ले रहा हूँ क्योंकि ये जगह नहीं है स्थान, लेकिन चूंकि देश आप आ गए हैं और आपसे मतलब आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं, आप वहाँ के विधायक रहे हैं, थोड़ा ये है कि दिल्ली की में जो जैसा बयान आ गया खास करके अरविंद केजरीवाल जी का कि भाई जुलाई लास्ट तक 5 लाख हो जाएंगे और हम लोग इनएडुकेट हैं और किसी के लिए भी इनएडुकेट हो गए, तो कहीं मतलब ये देश देख रहा है आपकी तरफ, आप कैसे उसको इससे लड़ने जा रहे हैं? मैं सभी मित्रों को इस माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की स्थिति एक ऐसी एक कहानी है, एक भैंस की तरह है, जिस भैंस का एक ऐसा बंटवारा हुआ दो भाइयों के बीच, उसने कहा कि आगे से आधी तेरी और पीछे से आधी मेरी। तो मतलब जो आगे से आधी का मतलब ये है कि उसको चारा खिलाना और पानी पिलाने की जिम्मेदारी तो एक भाई का और उस भैंस को धोने की जिम्मेदारी और उसकी उसका अधिकार दूसरे भाई। दिल्ली एक तरीके से तो सबकी है, एक राजधानी है, पूरे देश की है, हर किसी के लिए खुली हुई है, लेकिन इस देश इस दिल्ली को चलाना कैसा है वो एक छोटे भाई के हिस्से में काम आ गया। इस देश इस दिल्ली में 25 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिल्ली वासी हर साल देते हैं, जो कि सीधे सीधे केंद्र के सत्ता के पास संघ सरकार के पास जाता है। उसमें से 325 करोड़ 25 लाख करोड़ रुपए वार्षिक में से 325 करोड़ रुपए केवल दिल्ली को मिलते हैं। उस मामले में दिल्ली को राज्य नहीं माना जाता, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसकी बातें नहीं मानी जाती। दिल्ली के अंदर तोहमत लगाने के लिए दरअसल आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा मॉडल दिया है जो कि एक बहुत ही केंद्रीयगत सत्ता, जिसका जिसका एनडीए सरकार या बीजेपी सरकार या मोदी जी या आरएसएस जिसके प्रतीक बन गए हैं, उसके प्रति एक उसके उससे अलग किस्म का एक विकल्प दिया है। इसलिए एक आसान काम यह होता है कि हर बात के लिए अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को दोषी ठहरा दिया जाए, लेकिन मामला कुछ गहरा है। जैसे केवल स्वास्थ्य की सुविधाओं का मामला है, दिल्ली के अंदर कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत हैं, कुछ एमसीडी के अंतर्गत हैं, कुछ केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं और बहुत सारे निजी हैं। चारों की हालत में बता देता हूं, एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है डॉक्टरों को। एमसीडी के अंदर वित्तीय प्रबंधन कैसे सुधरे वो कभी चर्चा का विषय नहीं है। बीजेपी का लगातार शासन है उसके ऊपर एमसीडी के अंदर, कुछ उसमें कांग्रेस की भी भागीदारी है, लेकिन एमसीडी का वित्तीय सेहत कैसे सुधरेगी किसी की चर्चा का विषय नहीं है। वो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है जिसको हर कोई काटने के लिए तैयार बैठा है। जो केंद्र जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत वाले हॉस्पिटल है, आप कितनी भी बुराई करें लेकिन उनका प्रबंधन पहले से बेहतर हुआ है, निश्चित रूप से बेहतर हुआ है, परफेक्ट हो गया है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक पूरे देश में चर्चा का विषय है, वो दूसरी चीज है। जो केंद्र के सत्ता के अंदर केंद्र के संघ सरकार के अंतर्गत आने वाले हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें कि राम मनोहर लोहिया है, सफदरजंग है, एम्स है, उनकी इतना 25 लाख करोड़ रुपए साल का इनकम टैक्स देने वाला दिल्ली और पूरे देश में जो उम्मीद लगाई जाती है एम्स से सफदरजंग से, उनका कितना विस्तार पिछले 5 सालों में 7 सालों में 10 सालों में हुआ है, ये सवाल हमको पूछना चाहिए। संघ सरकार ने केंद्र सरकार ने जो इनकम टैक्स 25 लाख करोड़ रुपए लिया है, जीएसटी लगने के बाद उसका राजस्व में उसमें राजस्व में उसकी हिस्सेदारी बढ़ गई है, उसका निवेश कहां हो रहा है? 3000 करोड़ रुपए का पटेल जी की मूर्ति से इस देश के लोगों की जान नहीं बचेगी, बुलेट ट्रेन से नहीं बचेगी, वो बेहतर हॉस्पिटल बनाने से बनेगी, वो नहीं हुआ है काम। चौथी चीज जो निजी हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल के बारे में बता दूं, पूरे देश की राज्य सरकारों का विश्लेषण कर लीजिएगा। मैं स्वयं पिछली विधानसभा का सदस्य था, उसके पिटीशन कमेटी का सदस्य था, दिल्ली विधानसभा की पिटीशन कमेटी याचिका समिति, वो मेरा कहना है पूरे देश की विधानसभाओं में अकेली याचिका समिति थी जिसने की निजी हॉस्पिटलों की को अनुशासित करने की कोशिश की, निजी स्कूलों को अनुशासित करने की कोशिश की। उनका जो एक मुनाफाखोरी है उनके, जैसे कि ये केवल दिल्ली के अंदर लागू किया गया, शिक्षा के अंदर आरटीआई बाध्य करती है कि 25% आपको ईडब्ल्यूएस में एडमिशन देना पड़ेगा। हम आरटीई को सम्मान करें ना करें, लेकिन इस संवैधानिक प्रावधान को लागू करवाने का काम दिल्ली ने किया, दिल्ली सरकार ने किया, दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने करवाया। सौरभ भारद्वाज उसकी जाकर थोड़ी खोजबीन करवाइएगा। इसी तरह दिल्ली के अस्पतालों को 10% ईडब्ल्यूएस में अपने आउट पेशेंट भी, ओपीडी में भी, और आपको हर काम में देना है। इसको डंडा लगा के, जोड़ लगा के पिटीशन कमेटी हर जगह दौरा करती थी, करवाया। कहने का मतलब ये है, अब आप गुड़गांव जो है हमारे एक दूसरे राज्य में आता है, वहां पर 500 निजी हॉस्पिटल है, आप देख लीजिए वहां की क्या हालत है। अभी एक मैक्स हॉस्पिटल का आया था जहां की, मैं थोड़ा बीच में रोक रहा हूं समय की वजह से, जी मैंने लंबी बात कह दी।
देखिए मैं बात बहुत स्पेसिफिक दिल्ली के बारे में कर रहा हूँ, वहां पे खराब है और मैं उस खराब से अच्छा हूँ, ये हमें आज राहत नहीं दे रहा है। आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी की एक छवि थी कि एक पढ़े लिखे आदमी, एक ईमानदार आदमी, और उन्होंने बहुत, क्योंकि पहली बार आपने अपने काम के नाम पे आपको दिल्ली के लोगों ने वोट देके दोबारा वो दिया था, आपने कोई और नैरेटिव नहीं किया था, आपने कहा था मेरा काम देखो और उस काम के नाम पे वोट दो, और उसमें एक मोहल्ला क्लीनिक एक बहुत वो था। जो बाकी आप बातें कह रहे हैं वो जीएसटी का शेयर है, वो सब राज्य उससे जूझ रहे हैं, मतलब उससे ये कहना कि कोई राज्य जूझ रहा है या नहीं जूझ रहा है ये वो होगा, लेकिन दिल्ली में आज की तारीख में करीब 32-35 हजार के जो अभी तक इन्फेक्शन हुए थे उसमें एक्टिव शायद जितने भी नंबर्स हों आपके पास वो शायद 7-8 हजार नंबर या उससे कम, आपके पास आज की तारीख में कितने बेड्स हैं, जरा मैं समझना चाहूंगा कितने बेड्स हैं और आप कितने को और बढ़ा सकते हैं, जरा ये जल्दी से। मैं केवल बहुत संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा कि एकदम इस आपात स्थिति को बिल्कुल अभूतपूर्व स्थिति है, किसी सरकार की इसकी तैयारी नहीं थी। इस अप्रत्याशित स्थिति का की चुनौती का सामना करने के लिए दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी ओर से सामान्य से बेहतर काम कर रही है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि किसी भी सरकार ने, मैंने केरल की भी प्रशंसा की है, कई मामलों में हेमंत सोरेन की भी प्रशंसा की है, उसी क्रम में अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल जो एक जो एक क्राइसिस मैनेजमेंट हो सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन को रेस्पॉन्ड करने का हो सकता है, वो कहीं बेहतर किया है और भी बेहतर हो सकता है। केवल मैं बताऊं कि प्रगति मैदान के अंदर 2500 बेड्स की आपात स्थिति तैयार करना का एक लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा केजरीवाल जी का कहना ये है कि चाहे स्टेडियम्स में, चाहे किसी भी ओपन स्पेस में कितना भी अतिरिक्त ऊर्जा का और साधनों का निवेश करना पड़े, लेकिन हम 20,000 भी 30,000 भी अगर नए बेड्स को हमको तैयार करना पड़ेगा वो करेंगे और वो कर रहे हैं। मतलब कल ही मेरे पास इमेजेस आई थी जिसमें कि अकेले प्रगति मैदान के अंदर 2500 बेड का केयर सेंटर, हेल्थ सेंटर बनाने का प्रक्रिया 1-2 दिन में पूरी होने वाली है। तो बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन उसका सामना भी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। मैं शिवकांत गोरखपुरी जी के पास आना चाहूंगा क्योंकि वो थोड़ा जो अपनी समस्या दीपक भरत गांधी जी की थी, ये भी अरेस्ट हो गए थे, ये वहां गए थे, जनरल सेक्रेटरी हैं उस पार्टी के, ये थोड़ा हमें बैकग्राउंड भी बता देंगे। लेकिन मैं फिर भी पंकज जी जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि देश आपकी तरफ देख रहा है और उम्मीद कर रहा है कि आप इस तरह का जो भी होगा वो आम आदमी को, आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं शिवकांत जी के पास सीधे सीधे आ रहा हूँ। शिवकांत जी हमारे, आप कोई प्रश्न अगर पूछना हो पंकज जी से, किसी को अगर पंकज जी से कोई प्रश्न पूछना हो तो आप इस समय पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए और सीधे पंकज जी से प्रश्न पूछ लीजिए, नहीं तो मैं शिवकांत जी के पास आ रहा हूँ। शिवकांत जी है ना, शिवकांत जी आप, शिवकांत जी आप अनम्यूट कर लीजिए। मुझे लगता है कि पहले त्रिभुवन जी ही बोल रहे क्योंकि शिवाकांत जी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। तो उनको फोन पे कोई मैं बता दे रहा हूँ, फोन पे कह दे रहा हूँ, तब तक मैं डॉक्टर त्रिभुवन से बात। हाँ त्रिभुवन जी, तब तक आप शुरू कीजिए। और आनंद जी हमारे बीच में अक्षय भाई भी हैं, आ गए हैं, थोड़ा समय अक्षय भाई को भी दीजिए बोलने। डॉक्टर चुभनेश जी आप थोड़ा इसका पहले वो जो भरत गांधी जी का संक्षेप में बहुत, क्योंकि हो सकता है कि अभी बहुत लोग ना देख रहे हो लेकिन ये वीडियो चूंकि अपलोड हो जाएगा और उसके बाद में समय के हिसाब से लोग देखेंगे, तो भरत गांधी की जो दृष्टि है उस पर थोड़ा आप 2 मिनट अगर। हाँ जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे बड़े भाई साहब भरत गांधी जी है, ये पढ़ने में बहुत ही कुशल थे और हमेशा टॉपर रहे अपने स्कूल में, और इन्होंने पीसीएस क्वालिफाई करने के बाद उस नौकरी को छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि हमें जो करना है वो हम नहीं कर पाएंगे नौकर बन करके, तो हमारे घर में बड़ा परेशानी हो गई कि क्या बात हो गई, क्या करना चाहते हो ऐसा। वो बोले कि मैं बता नहीं सकता लेकिन मैं नौकरी करके कुछ नहीं कर पाऊंगा ऐसा मुझे लगता है। मैं गाँव से बिलोंग करता था, मुझे लगता था कि आईएएस पीसीएस बन के कुछ हो सकता है, लेकिन जब मैंने पूरी पढ़ाई की, पूरा स्ट्रक्चर संविधान का, नौकरी के सारा कुछ समझ, मैं समझ रहा हूँ अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे रिजाइन करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से उन्होंने नौकरी ही ज्वाइन नहीं किया। और फिर उन्होंने अपना पूरा टाई वगैरह कोट उतार दिया, धोती और कुर्ता पजामा पहन करके
यह सोचने लगे कि आखिर देश की जो समस्या है कैसे समाधान होगा। और कई सालों तक ये हमारे साथ रहे, हमारी डॉक्टर की किताबों को उन्होंने पढ़ा, ढेर सारी किताबों से मेरे सवाल करते थे कि इसका क्या मतलब होगा। मैं भी समझ नहीं पाता था कि मेरी किताबों को क्यों पढ़ते हैं। MBBS की सारी किताबों को इन्होंने पढ़ा है, स्पेशली जो फिजियोलॉजी होती है उसको ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी से कोरिलेट करते थे। अब बाद में इसके बाद इन्होंने लेकर अपना ये कॉन्सेप्ट जो लेकर आए ओनरशिप का, बोले कि भाई देखो आर्थिक वजहों से ही सबसे बड़ी समस्या है, इनका निष्कर्ष निकला। और इन्होंने कहा कि अब ये ओनरशिप कानून बन जाए तो देश में समस्याओं का बहुत बड़ा अभाव हो जाएगा, बहुत समस्याएं कम हो जाएंगी। तो इनको लगा कि जब कानून ही बनना है तो क्या करना चाहिए, कानून लोकसभा और राज्यसभा से बनता है। फिर इन्होंने जाकर के वहां के सांसदों से मिलना शुरू किया, लगातार 3 साल तक मिलते रहे। मिलने के बाद 400 सांसदों ने हामी भरी, 137 सांसदों ने साइन किया कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, इस पर चर्चा होना चाहिए। और चर्चा जब नहीं हो पाई किसी किन्हीं वजहों से तो वह मामला राज्यसभा में गया। दीपक गोयल कमेटी ने उसको अप्रूव किया कि नहीं ये मामला हो सकता है, बहुत लंबी प्रक्रिया और बहस के बाद। जब ये देखा गया कि वहां से राजनीतिक लोग नहीं मान रहे हैं, तब इनको सलाह दिया गया कि ऐसा है आप बैकडोर से कानून नहीं बनवा सकते, आपको राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ेगी और पब्लिक में जाकर बोलना पड़ेगा, डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी, तभी नेता लोग सुनेंगे। इस बाध्यता में आ करके तब इन्होंने पार्टी बनाई सर, नहीं तो राजनीतिक पार्टी बनाने की इनकी कोई इच्छा नहीं थी। और इन्होंने अभी भी बोला है कि मुझे कोई जो है पद नहीं चाहिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं किसी पद पर नहीं रहूंगा। ये अभी तक अनमैरिड है और इनका कोई घर द्वार नहीं है, कोई इनकी जो पार्टी भी है वो भी सब किराए पर चलती है, ये पार्टी भी गरीबों की पार्टी है, चंदे पर चलती है। और इन्होंने कोई भी अपना संपत्ति न बनाने का प्रण लिया हुआ है। इस तरह के संत हैं, ये आधुनिक संत हैं कहा जा सकता है, जिनको कि इस तरह से नागालैंड में किसी गलत फहमी की वजह से फंसाया गया है। और हम चाहते हैं कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश के, उनके साथ खड़ा होना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए सर, मेरी तो यही प्रार्थना है आप लोगों से। डॉक्टर त्रिभुवनेश, मैं इस पे ही एक जरा चीज और आपसे समझ लेना चाहूंगा। जी जैसे ये कोई क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी मैं नहीं मानता हूँ कि किसी ने शादी नहीं की है। जी जी, शादी करके भी बहुत तरह तरह के काम कर रहे हैं, कई लोग शादी छोड़ के और वो कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से शादीशुदा, मैं सब लोग शादीशुदा इसमें बैठे हैं काफी लोग, कोई मतलब क्वालिफाइड नहीं है बहुत से काम करने के लिए, मैं इसको नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से शादी कर लेने से आप ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं, मैं उससे भी लेता हूँ, लेकिन वो चर्चा बाद में करेंगे। ये एक चीज समझाइए कि जैसे ये माना जा रहा है ना कि बहुत फ्रिवलस चार्ज है, जो चार्ज लगे हैं जरा उसके बारे में बात कर लें, क्योंकि कुछ एक नोट वोट छापे थे और क्या हुआ था वो असली नहीं थे, बताइए सर। पार्टी से ज्यादा ये संबंधित चीजें हमारे शिवाकांत गोरखपुरी जी बता सकते हैं, क्योंकि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है और ये इसका जवाब दे पाएंगे। मैं परिवार से संबंधित कुछ चीजें जान ले रहा हूँ। जी जी जी, जैसे आज आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, नागालैंड को जाके इन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया है। जी जी जी, तो घर पे आना जाना होता है कि नहीं भरत जी का, और घर पे भी पॉलिटिकली एक्टिव हैं कि नहीं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सर भी इनकी पार्टी काम करती है, लेकिन इनका जो मूवमेंट ज्यादा खड़ा हुआ वो आसाम में खड़ा हुआ है। आसाम में इनके कम से कम आज 18-20 लाख समर्थक हो चुके हैं, 18 जिलों में इनके कार्यकर्ता हैं और इनके बहुत बड़ी गैदरिंग हो गई है आसाम में। और वहीं से कुछ लोगों ने कहा था नागालैंड में आकर के आप ट्रेनिंग करिए, तो इसलिए ट्रेनिंग देने ही गए थे वहां पर, बाकी इनके कोई कार्यकर्ता वहां खास नहीं है अभी। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, आपने इलेक्शन लड़ा है इससे पहले? चुनाव लड़ा है, इन्होंने चुनाव लड़ा है और पूरे देश जहां जहां चुनाव लड़ा सारा जोड़ के लगभग 1 लाख वोट भी मिला है इनके सभी उम्मीदवारों को। नहीं, लेकिन ये मैं इसलिए थोड़ा आपसे पूछ ले रहा हूं क्योंकि लोगों को देखिए चक्कर क्या हो रहा है ना, एक हमारे देश में पार्टी आ गई जो कहती है कि उसके पास करीब 10-20-50 करोड़ सदस्य हैं। जी जी जी, सदस्य का कुछ भी नंबर आप ले लीजिए क्योंकि वो कोई सर्टिफिकेट तो देता नहीं, दिया नहीं जाता है, आप कोई नंबर ले लीजिए। तो अगर आपकी पार्टी में 18 लाख लोग हैं तो आपको चुनाव में वोट क्यों 1 लाख मिल रहा है? मैं थोड़ा चुपते हुए सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं समझना चाहूंगा इस गणित को। सर मैंने बताया राजनीतिक जवाब तो ये दे पाएंगे आपके शिवाकांत गोरखपुरी जी। शिवाकांत जी, आपसे राजनीति में बहुत एक्टिव नहीं हूँ सर मैं, लेकिन ठीक है आप अच्छा जैसे ये घर पे नहीं है अगर भरत जी, तो आप लोगों को एक चिंता नहीं है कि मालूम नहीं हुई नागालैंड तो बहुत दूर की जगह है, वहां से इनके ऊपर डर भी है, इनको अपहरण की बात इनके ऊपर है? बिल्कुल चिंता है सर, परिवार जिस तरह चिंतित होता है हम लोग सभी लोग चिंतित हैं, लेकिन हम लोग अब सब लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, सभी लोगों से, प्रशासन से, आप सभी लोगों से कि इनको सुरक्षित वहां से निकाला जाए,
और संदीप पांडे भाई साहब ने बहुत सहयोग किया, इन्होंने लेटर भी लिखा कि भाई उनको जो है गवर्नर को कि इनको सुरक्षित निकाला जाए, प्रयास जारी है सर हम लोगों के। तो करोना और भाई साहब तो कहते हैं, भाई साहब ने बोला है कि ये पूरा देश हमारा घर है और हम सब घर को अपना घर मानते हैं, तो ये मत सोचा करो कि हम तुम्हारे भाई हैं, हम सबके भाई हैं और हमारी सब माताएं हमारी माताएं हैं, सबकी बहनें हमारी बहनें हैं, इस तरह भावना रखते हैं और कभी भी ये नहीं सो करते कि हम बहुत खास आपके हैं। वो कहते हैं हमारे लिए सभी खास है, जितना खास सब है उतना तुम्हें भी हो, हमारा घर उतना ही खास है जितना दूसरे का घर है, इसलिए दूसरों के घर में जाके रहते हैं, अपना कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं। मैं तो भाई यही आग्रह करूंगा, जैसे प्रवासी जो मजदूर लोग अपने वापस आ गए हैं, प्रवासी कामगार, तो हमारे प्रवासी जो नेता आसाम चले गए, उत्तर प्रदेश में आए, बहुत काम है यहाँ पे भी, उत्तर प्रदेश की भी हालत आप तो रोज देख रहे होंगे, मतलब किसी भी जो ग्राउंड की बात है, जो कामगारों की बात है, जो मजदूरों की बात है, जो किसानों की बात है, वो शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। शिवकांत गुरुपुरी जी, हम डॉक्टर त्रिभुवनेश से अगर किसी को कोई प्रश्न करना है इनसे, भरत भाई की सबसे अच्छी जानकारी यही दे सकते हैं, आप लोगों में से अगर कोई इनसे बात करना चाहे, संदीप जी, संदीप भाई साहब अगर आप बात करना चाहें या कोई और करना चाहे, तो सीधे इनसे, ये डॉक्टर त्रिभुवनेश से सीधे बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? डॉक्टर साहब आप प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं? डॉक्टर त्रिभुवनेश आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? अच्छा अच्छा, आवाज नहीं आ रही सर। भाई अभी बीच में लखनऊ में हूँ सर मैं। चलिए बहुत अच्छा, भरत जी को भाई हम सब लोगों को वह है, आप भी कहिएगा हम लोग की तरफ से, आप जरा बने रहिएगा क्योंकि हो सकता है कि आगे कोई प्रश्न ऐसा हो जो मैं जो आपसे पूछ लिया जाए। मैं आग्रह करूंगा अक्षय जी से, अक्षय जी आप जुड़ गए हैं, अक्षय जी आप अनम्यूट कर लें। अक्षय भाई अपना अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके थोड़ा बोलिए। हाँ जी, हाँ अब अनम्यूट हो गए। हाँ जी, सारी साथियों को नमस्ते, मैं सिर्फ दो बात बोलना चाह रहा हूँ संदीप जी। एक मिनट आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा आप अपने उसको या तो कैमरे को शिफ्ट करिए, और थोड़ा नहीं नहीं ऊपर हेडरूम बहुत ज्यादा है ऊपर, थोड़ा और थोड़ा ठीक करिए। हाँ अब ठीक है, ठीक है। हाँ जी ठीक है, सारी साथियों को नमस्ते। मैं सिर्फ दो तीन बात बोलना चाह रहा हूँ। अभी बात जो है, अभी बात है जी कि भरत जी वहां से सेफ कैसे निकल कर आए। मैंने जहां तक बात किया हूँ, त्रिभुवंश से बात किया हूँ, शिवकांत से बात किया हूँ, अभी तक उनका बेल हो चुका है, हाईकोर्ट से मूव हो चुका है, मगर बात है जी कि वहां बेल करके बेलर जाकर उसका वहां बेलर भी मैंने जुगाड़ व्यवस्था हो चुका है, जो मुझे जो सूचना है, पर बाद में वहां से निकलकर वो सेफली एयरपोर्ट तक आएंगे और एयरपोर्ट से आने का बाद वो निकलकर आ सकते हैं, इतना ही बात है। मुझे लग रहा है इस जो बातचीत सुना मैंने, एक बात है कि एक इनिशिएटिव, पहला इनिशिएटिव उन्होंने सजेशन दिए थे कि प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति को मिलकर एक मेमोरेंडम दिया जाए और उनका अप्रोप्रिएट साइज किया जाए, एक बात तो ये है। दूसरी बात है जो गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो बेंच है कोहिमा में, जहां से बेल ऑर्डर हुआ है, वहां और एक पिटीशन फाइल किया जाए, चाहे ये स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, वो उनको सेफली निकाल कर लाए या हाईकोर्ट एक ऑर्डर दे, क्योंकि कई एडवोकेट से बात हुई है, अगर वो एक ऑर्डर पास होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मैंने भी काम किया हूँ, तो संजय घोष को मार दिया गया, मैं भी वहां काम कर रहा था, एक दूसरा ग्रुप संदीप जी लोग जानते हैं साथी लोग, इसलिए दूसरा बात है अगर वहां एक पिटीशन फाइल किया जाता है और वो अगर कोहिमा हाईकोर्ट अगर ऑर्डर देता है जे बेंच जे उसको सेफली स्टेट निकलकर घर तक पहुंचा है, तो ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, सिर्फ एयरपोर्ट नहीं घर तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ये दूसरी बात है, मुझे लगता है इसको साथियों ने गंभीरता से लेना चाहिए। तीसरी बात है कुछ नागालैंड में कुछ ग्रुप है, मेरा भी बात हुई है कुछ दिमापुर में और में कुछ साथी है, उनसे बात हुई है जो कई उनका वहां का बासिंदा है और उनसे कई लोगों से उनका भी संबंध है, उनसे बात हो चुका है, और कुछ लोग अगर बात भी करें कि वहां सराउंडिंग बनाने का जरूरत है, कि ये व्यक्ति जो है ये व्यक्ति फकीर व्यक्ति है, ये व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति है, ये व्यक्ति कोई राजनीतिक पार्टी का जनरल राजनीतिक पार्टी का नहीं है, जो करोड़ रुपया सेव करके रखा हुआ है, ये बात को वातावरण बनाने का जरूरत तीसरा बात है। और चौथी बात है जो अंडरग्राउंड ग्रुप काम करते हैं
उनका बीच में भी कोई जिसका जहां रिलेशनशिप बातचीत हो सकता है वो बात हो। अगर वो बातचीत वहां चौथी लेवल पर होता है उनका स्तर पर, तभी वो सेफली निकल सकते हैं। मुझे लगता है पहला बात तो उनका बेल हो चुका है, दूसरा बात जो प्रेसिडेंट को देना चाहिए प्रेसिडेंट को भी देना चाहिए और होम मिनिस्ट्री को भी देना चाहिए, और कोई किसी का माध्यम से प्रेशराइज करना चाहिए होम मिनिस्ट्री तक, पीएमओ ऑफिस तक, कि उनको सेफली निकाला जाए। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है कोहिमा में बेंच में एक पिटिशन फाइल किया जाए, तीसरा है। और चौथी है जो उस नागालैंड में एक वातावरण बनाने का जरूरत है, जिन लोगों ने है जो जो लोग साथी है वहां है और असम में, और जो लोग बना सकते हैं गुडविल उनका बारे में, और अंडरग्राउंड लोगों से भी बात कर सकते हैं। ये मुझे लगता है ये चार स्टेप किया जाए, उनको सेफली निकालना चाहिए, और निकल कर आने का बाद फिर ठीक है जो जो वैचारिक बातचीत वो होगी, जो एक्शन आगे बढ़ेगी वो बहुत बाद का बात है। अभी जो पहला बात है ये होना चाहिए, मुझे लगता है सारी साथियों को गंभीरता से इसको लेना चाहिए और इनिशिएटिव जो जैसे बढ़ा सकता बढ़ाना चाहिए। और मुझे जहां तक जो जानकारी है उसको मैंने पास किया हूँ, और मैंने दो लेवल पर जो वहां जो गुडविल बनाने काम करेंगे और जैसे पास करेंगे कि भाई ईमानदार व्यक्ति है वो कर रहे हैं, अगर कोई मदद जितना जरूरत है जी कि हाँ हम कर सकते हैं, और साथियों उनका परिवार और उनका जो साथी लगे हैं तो अगर चाहेंगे जी हाँ कुछ मदद ऐसे हो सकता करना चाहिए, जो इनिशिएटिव लेना चाहिए बोलेंगे तो हम लेंगे। धन्यवाद अक्षय जी। असल में अक्षय जी हम लोग चाहते थे कि इसमें जरा शिवकांत जी भी आ जाते, क्योंकि वो तो गिरफ्तार हो गए थे और फिर वो छूट गए, और उनसे ही शायद जब अपहरणकर्ताओं ने उन्हीं से पहली रैंसम राशि उन्हीं से मांगी है कि इतना पैसा दो क्या दो। लेकिन मतलब आप लोग पार्टी लेवल पे आपने जो भी अपहरण मतलब जिनसे डर है आप लोग को जिन इंसर्जेंट ग्रुप से, उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की है? देखिए आनंद जी, वहां जो लोग है दिमापुर में नागालैंड में जो लोग है, जो लोग हमको हमारा हमसे जिनका संपर्क हो चुका है अभी तक, वो लोग भी बातचीत करने का दौरान उन्होंने भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए है उस वातावरण बनाने का और उस संपर्क करने का, ठीक है ना। मगर जो साथी डायरेक्टली इनिशिएटिव ले रहे हैं, चाहे परिवार की तरफ से हो चाहे उनका भरत जी का पार्टी की तरफ से, जो डायरेक्टली इनिशिएटिव ले रहे हैं वो जहां तक इनिशिएटिव लिए हैं, और उसका बाद कहां दिक्कत आ रहा है जिसमें वो इनिशिएटिव सेफली लाने का जो बात है, क्योंकि बात है जी कि वो बोल रहे सब चीज हो चुका है। सिर्फ बात है जी कि वहां जिस दिन बेल मूव होगा नीचे का कोर्ट में और जेल से वो निकलेंगे, वहां से उनको सेफली लाने का बात, इतना ही बात है। और उस बार में कितना इनिशिएटिव ले चुके हैं, क्या हो चुका है और क्या करना चाहिए, उस कार में विश्लेषण करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी और से कोई आपसे प्रश्न किसी को पूछना हो, संदीप जी आपको कोई प्रश्न पूछना हो अक्षय जी से, नहीं तो मैं फिर शिव नारायण जी के पास आ जाऊंगा, वो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे अक्षय जी आग्रह करूंगा कि आप भी रुके रहिएगा अभी, क्योंकि अगर हमारे शिवकांत जी नहीं मिलते हैं तो आपसे हो सकता है कोई प्रश्न पार्टी से रिलेटेड हो तो आपसे बात कर ली जाए। मैं इस बीच शिव नारायण जी से आग्रह करूंगा कि शिव नारायण जी आप आके अपनी बात कहें। शिव नारायण साहब नमस्कार, मैं सभी लोगों का करता हूं स्वागत। देखिए ये पूरा मामला मैं भी काफी देर से देख रहा हूं इस चीज को, मैं उससे जो भी सॉल्यूशन दिए है बहुत बेहतर है। अभी अक्षय कुमार जी अक्षय जी ने जो बताया है मैं उसी चीज को थोड़ा दोहराता हूं, थोड़ा तरीके से दोहराता हूं। आप एक कुछ उदाहरण देकर के हम लोग सुनाते हैं, कुछ उदाहरण होते हैं जिसके सहारे लोगों को आसानी से समझ में आता है कि कौन सा कदम उठाना चाहिए। मैं यहां पर भी कुछ उदाहरण एक उदाहरण के रूप में देता हूं। मान लीजिए आपके चार बेटे हैं, अब चार बेटे में दो या तीन कहलते हैं या दो बेटे कहलते बाप से मुखिया से बिखरे हुए हैं, यानी वो भड़के हुए हैं या कुछ उनसे नफरत करते हैं या उनसे अलग हट रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दो बेटों को हम सजा दे दे, मार दे, काट दे और उसको निकाल दे हम घर से परिवार से बाहर। तो वो स्थिति हमारे देश में हम लोग यानी अपने परिवार में नहीं करते हैं, मगर हमारे देश में वो स्थिति है। आज हमारे देश में नक्सल समस्या, ये हमारे हमारे बच्चे हैं जिनके साथ नफरत और ये सब, वो भड़के हैं, क्यों भड़के हैं? ये नागालैंड जो है ये भड़का है, क्यों भड़का है? या कश्मीर में जो होता है वो क्यों होता है? इस सब चीज को अगर हम समझ के देखेंगे तब जाकर के, और एक मुखिया एक बाप की हैसियत से देखेंगे कि अपने बच्चों को एक साथ जोड़ के रखें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और हम सब और ये करने का काम कौन करेगा? वो साथी लोग करेंगे,
ये सत्ता में बैठे लोग जितने भी है ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी। इनको इनको जो जोड़ना है, आज जैसे भरत गांधी जी वहां पर उलझ गए हैं, उनका उलझने का कारण क्या है? क्योंकि वहां की एक सत्ता के लोग कुछ बैठे हैं, मतलब जो भड़के हुए हैं, वो अपने अपने आप को अलग करना चाहते हैं देश से। क्यों अलग करना चाहते हैं? और एक सज्जन इंसान को, कोई भी इंसान कभी भी सज्जन इंसान को कोई बुराई नहीं करता, उसके साथ गलत नहीं करता है, मगर जब सोच बन जाती है किसी मामले में, तो चाहे सज्जन हो या बदमाश हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होती है। सबके खिलाफ वो लोग बदमाश लोग काम करते हैं, वो ये नहीं देखते ये सज्जन है इसके लिए मुझे इसको छोड़ देना है, या ये बदमाश है इसलिए इसको नहीं छोड़ना है, ऐसा वो लोग नहीं देखते। मगर उनको समझाने का तरीका होना चाहिए। आज अगर आप देखेंगे कि पहले के पुराना जमाना देखिए, काले लोगों को गुलाम बना के रखा गया था, उनसे इतना उनका कुशोषण हुआ था कि क्या बोलते वो बेचारे क्या बोलते उसी को अपनी नियति मान के बैठ गए थे कि बस यही हमारी जिंदगी है। मगर उनको उनको गुलामी से बाहर निकालने वाले वो गोरे लोग ही थे जिन्होंने क्या बोलते जिन्होंने उनका शोषण किया था। उन गोरे लोगों में जो अच्छे लोग थे वो लोग बाहर निकले और उन लोगों ने निकाल करके उस चीज को खत्म किया, कहां से? अमेरिका या अफ्रीका से, इन चीज में। वही काम अगर हम लोग करते हैं इन नागालैंड या नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए, ये सरकार नहीं करने वाली, ये हम लोगों को करना है। आज आप अगर बहुत बड़े बदमाश हो, बहुत बहुत पैसा आपने भ्रष्टाचार से कमाया है, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे को कहां भेजना चाहेंगे? अमेरिका में भेजना चाहेंगे, यूके में भेजना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वहां पर संविधान लागू है, वहां पर कानून लागू है, वहां मानवता को सुना जाता है, मगर अपने देश में नहीं। तो यही चीज हमें उन लोगों को समझानी है जो लोग कहते हैं नागालैंड में इस तरीके का काम कर रहे हैं अंडरग्राउंड में। हमें बुद्धिजीवियों को आपस में मिल करके एकजुट होकर के, ये सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार के तेवर उसमें रहेंगे हम, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप में हम में ताकत है, हम लोग जाएं, हम उन कुछ बुद्धिजीवी जाएं आगे बढ़े, बताएं कि देखिए ये जो समस्या है ये गन से नहीं समझने, बंदूक से नहीं समझने वाली, बंदूक से नहीं खत्म होने वाली समस्या, ये समस्या होगी खत्म बातचीत से, ये समस्या होगी खत्म ऐसे प्लान से जिसके तहत आकर के हम सब एकजुट एक अपने आप को एक इंसान समझकर काम करें, लोग एक दूसरे को इंसान समझे, उस बेस पर ही समस्या समाप्त होगी। तो मैं यहाँ पर वही जो अक्षय जी ने कहा कि हम सबको मिल करके ऐसा प्लान उनको समझाना है कि आप भी आगे बढ़िए, जो भरत गांधी जी ने जो कार्यक्रम बनाया है या इस टाइप के जो भी कार्यक्रम है उसे आप बाहर लाइए, आप अपनी समस्या बताइए, आप क्यों हमारे आदमी को या इनको जो एक अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ क्यों ऐसा करना चाहते, आपको फंड चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चीज चाहिए उसका समस्या। नारायण जी मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूँ बीच में। हाँ जरूर, आप आग्रह कर रहे हैं कि सब लोग वहां चले, हाँ मूल प्रश्न है क्या भरत गांधी जी ने हम लोगों से पूछ के वहां जाके ये सब आंदोलन किया भाई? मेरी जिम्मेदारी यानी नहीं, हाँ जिम्मेदारी तब बनती है जब भरत गांधी जी ने ये सब पूछा और वहां जाके आंदोलन करने लगे। अगर भरत गांधी जी ने कोई आंदोलन किया है तो अच्छा या बुरा, और ये कह देना कि वहां अच्छा है या बुरा है सब लोग चले, ये सब लोग क्यों चले आपके साथ भाई? भरत गांधी जी ने ये किसी से पूछ के तो आंदोलन किया नहीं था। ठीक है, अभी मैं बोलूं इस मामले में, आज की तारीख में, एक मिनट मैं अपनी बात कर लूं, आज की तारीख में कोई भी उनकी मदद वही तक करने को तैयार है जहां पे उसको लगता है कि उनका जो बेसिक राइट एज अ सिटीजन है वो कहीं ना कहीं उस अधिकार को के साथ जाती हो रही है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल चीजें हैं, जहां तक नागालैंड के इंसर्जेंट से बात करना, वो तो सरकार या और बाकी ग्रुप्स तो कर ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ना सरकार को उसमें हमारी और आपकी किसी मशवरे की जरूरत है। अभी हम अपनी बात लिमिटेड रख रहे हैं भरत गांधी जी के रिलीज तक, क्योंकि भरत गांधी जी को अगर रिलीज करा लिया गया तो आज हमारी पहली प्राथमिकता वही है। उसमें मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा कि भाई भरत गांधी जी तो रिलीज हो गए हैं, अब दिक्कत यह है कि उनको वहां से सेफ पैसेज मिल जाए दिल्ली या, तो इसमें आप कुछ अगर राय बताइए तो इस पे थोड़ा चर्चा हो तो हम लोग भी समझें इसको। क्योंकि आप देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें कानूनी पहलुओं का इस्तेमाल करके चलना चाहिए। आपने ये बात उठाई कि क्या बोलते हमें क्या जरूरत है, हमारे से पूछ के थोड़ी ना गए थे, मगर हम आज बैठे हैं यहाँ पर, अगर साथ में बैठे हैं तो किसी कारण से बैठे हैं, और वो कारण क्या कहता है
हम आपने अगर सामाजिक कार्य कर रहे हैं या राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं या किसी भी चीज से जुड़े हैं तो आप समाज की भलाई के लिए ही जुड़े हैं ना, इसके लिए नहीं जुड़े कि क्या कहते हैं अपनी रोटी सेकना है, अपना सरकार बनाना है या अपनी रोटी सेक करके निकल जाना है, इसके लिए नहीं जुड़े हम लोग। हम लोग जुड़े हैं अगर राजनीतिक और ये सामाजिक भलाई के लिए जुड़े हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भरत गांधी जी वहां पर गए हैं, भले वो अपने काम के लिए गए, आपसे पूछ के नहीं गए, लेकिन वो गए सही मकसद से कैसे थे, एक 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 प्लान एक उस चीज से गए थे, एक संविधान कि ये राजनीतिक पार्टी है, इसे देश में अपने विचारों को फैलाने का अधिकार है, उस वो सोच के साथ गए थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो वहां गए थे तो उनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और हमें भी उसका उनका साथ देना है, और उसके लिए हमें अपनी वो सब चीज, मतलब ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना, वो लोकतंत्र की हत्या का काम किसका है, सरकार का है ये। लेकिन सरकार को हम लोगों ने देखा है, ये अभी कोरोना के मामले में भी हमने देखा है कि सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से पूरा शोषण कर रही है। आज अगर चाहें तो ये सरकार क्या बोलते हैं, ये जो कोरोना के फैल रहे हैं इतना सब, ये खत्म हो सकता है, इसके लिए हमने अपने प्रस्ताव दिए हुए हैं सरकार को। हमने कहा है कि ये जरूरत नहीं है आपको अस्पताल वगैरह की, आपको सिर्फ नागरिकों को साथ में खड़ा करना है, मोहल्लों का आपस में नेटवर्क बनाना है। आज आप कलते जो अपने कंपनियां खोलने के पीछे, अपने ये धंधा बढ़ाने के पीछे लगे हुए हो, इससे आपका फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कंपनी अगर चलने भी लगेगी तो वो माल आपका बिकेगा नहीं, वो एक जगह गोदाम में खड़ा पड़ा रहेगा। आपकी आज की जो जरूरत है वो जरूरत है लोगों को एकजुट करके, इनमें से जो भी मरीज है जो एक्चुअल, उन सबको निकालने, सब यानी बहुत सी बातें हैं ये सब। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, हम कार्रवाई हम अपने तरीके से कोर्ट वगैरह जो भी करना है वो तो अपन लोग कर रहे हैं, हम भी उसमें इन्वॉल्व है। हमने बातचीत की वहां अंडरग्राउंड वालों से, हमने उन लोगों से बातचीत करी है, दो लोग जो बाहर आए हैं, इन लोगों के लिए जो हमने करा अपने स्तर पर काम किया, वो स्तर हम बात करना नहीं चाहते। जैसे आपने सीधा बोल दिया, हमें क्या जरूरत है, वो हमसे पूछ के तो नहीं कहते। अगर यही सोच हमारी है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी का सहयोग नहीं कर सकते। यानी कोई अच्छा काम करना चाह रहा है, हाँ, वो व्यक्ति क्योंकि वो आपसे जुड़ा नहीं या कुछ कुछ भी होगा आपको लग रहा है, तो आप उसके अच्छे काम के लिए उसके साथ कुछ गलत हुआ। जैसे सुधा भारद्वाज जिसको अंदर किया गया है, कोई नहीं आगे बढ़ रहा है। जैसे 80 साल के वो तलोजा में बंद है, उनको उनके ऊपर अटैक आया, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई रोड पर नहीं उतर रहा है, ऐसे लोगों के साथ क्या हो रहा है, और कोई भी आगे बढ़ नहीं रहा है। कोई बुद्धिजीवी कम से कम आगे बढ़े, बुद्धिजीवी तो आगे बढ़ सकते हैं जो कम से कम बात कर सकते हैं, बाकी फौज पीछे चलती है, वो फौज को मालूम नहीं, उन्हें बात करने का तरीका नहीं आता है, इसकी वजह से वो लोग पीछे हट जाते हैं, उन लोगों को डंडे पड़ते हैं, मार पड़ती है, लेकिन बुद्धिजीवी तो बात कर सकता है। अगर उतना भी हम नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं। बस मैं आप लोगों के सामने, आप बड़े बड़े लोग हो, मैं उनके आप लोगों के सामने बहुत छोटी सी हस्ती रखता हूँ। शिव नारायण जी, पहली चीज तो ये है कि अगर भरत गांधी जी के प्रति हम लोग संवेदनशील नहीं होते तो यहाँ कोई बैठा नहीं होता। तो अगर मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में कहीं आ रहा है कि आप ये कहते रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि जहां तक आप बाकी चीजों की बात कर रहे हैं वो आपकी फिलोसफी है। देश अकेले पार्टी नहीं है, इस तरह की करीब 2,500-3,000 पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और मैं नहीं, और सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि जिसने भी वो पार्टी बनाई है उसके मन में एक कोई देश को आगे बढ़ाने के प्रति, उन सबके अपने अपने रास्ते हैं। तो 2,500 रास्ते, ये कोई कहना कि वो गलत है, वो गलत नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में मैं उन रास्तों को और सरकार को इस बहस में नहीं पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि भरत गांधी जी को उनके जो बेसिक राइट है वो उनका हनन हो रहा है, और इसलिए मुझे वहां से यहाँ ले आना है। अब आपको अगर ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आप अगर उसकी बात ही बात करने लगेंगे तो वो जो मूल मुद्दा है वो पीछे हट जाएगा। आप सुधा भारद्वाज को इसमें ले आएंगे, आप कहाँ कहाँ कर ले आएंगे, तो ये तो नई नई बातें होने लगेंगी, तो सरकार को भी आसानी हो जाएगी। आपके आपके जो स्पेसिफिक आपकी जो आज हमारा जो मूल काम है, जो बहुत फोकस्ड है, वो भरत गांधी जी को जेल से निकाल के दिल्ली लखनऊ कहीं आ जाए, जिससे वो आगे की कार्रवाई फिर तय होगा कि आगे अब हम लोग इसमें कैसे बढ़ेंगे। लेकिन आज अगर हम लोग इसको कहीं इसको कंक्लूड कीजिए। हाँ, तो मेरा सिर्फ ये है कि आप अक्षय जी, शिव नारायण जी, इसको थोड़ा आपके हिसाब से भरत गांधी जी के लिए हम लोग को क्या क्या करना है, क्योंकि उसके बाद हमारे संदीप जी हैं, वो इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, हमारे हिसाब से हाँ, हमारे हिसाब से जितने भी पार्टियां, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, वो एकजुट हो, और एकजुट होकर के इनके जो अंडरग्राउंड है या जो भी उनके खिलाफ है उनसे बातचीत करें। सरकार तो बातचीत नहीं कर रही, सरकार से बातचीत करने की कोशिश की जाए। बाकी
अगर ये नहीं हो रहा है तो हम उन लोगों से बातचीत करें, उनकी समस्या का समाधान करें, उनको हम ये इस चीज में निकालें कि भाई इनके पास कुछ नहीं है और ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप पीछे हटिए, इनको बाहर निकालिए, इनको करने दीजिए कुछ काम, जिनके लिए आप लोग खड़े हो उनके लिए ये भी खड़े हैं, बस इतना हमें समझाना है। तो ये मेरा अपना सोच है, अभी आप लोग आगे बढ़िए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अशोक नारायण जी। संदीप भाई साहब आप हैं? संदीप भाई साहब आप दिख नहीं रहे हैं। जी जी हाँ, तो आप संदीप भाई साहब आपको चाहेंगे, क्योंकि आप कोई और वक्ता इस समय मुझे दिख नहीं रहे हैं। संदीप भाई साहब मैं जरा अब इसको नहीं, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से ये इनिशिएटिव आपने किया है, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया इसको इनिशिएटिव कर रही है कि भरत गांधी जी को वहां रोका गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपनी निजी राय यह है कि अगर आप एक समय सीमा कर लें और जो सोशलिस्टों की जो बेसिक ताकत रही है कि अगर नहीं है तो चला जाएगा वहां, वही चीज लाया जाएगा। अगर मान लीजिए भाई हम और आप तो पुलिस के भरोसे नहीं नेतागिरी करते हैं ना, आपने जो भी नेतागिरी करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ अगर ये मिलेगा तो मैं वहां जाऊंगा, तो अगर कोई नहीं पुलिस करे तो चलिए आप भी चलिए, आप चलेंगे तो दो चार पांच लोग हम लोग भी चलने को तैयार है। मेरे मन में भी जब मैंने पहली बार सुना तो मेरे मन में भी ये आया कि मैं वहां जाके कुछ करूं, लेकिन फिलहाल हम लोग यहां से कोशिश कर रहे हैं और अपने कुछ साथी हैं जो वहां पे हैं नागालैंड में, एक निंगलो जी हैं जो नागालैंड पीपल्स फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स नाम का मंच चलाते हैं, और मैं यहां पे बैठे साथियों को बता दूं कि पिछले साल निंगलो के माध्यम से 13 लोगों को वहां जाने का मौका मिला था, जिसमें तपन बोस, विजयन, मीरा संगमित्रा ये सारे लोग शामिल थे, कुमार संजय सिंह और मृत्युंजय भाई बिहार से। और हम लोग की मुलाकात जो नागालैंड का सबसे बड़ा संगठन है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइजैक मुइवा ग्रुप, उससे दीमापुर से 36 किलोमीटर बाहर एक कैंप है ब्रॉन में मुलाकात हुई थी। और इस समय NSCN की बातचीत चल रही है भारत सरकार से और एक कुछ साझा संप्रभुता पे सहमति बनी है, लेकिन बात अटकी हुई है अलग संविधान और अलग झंडे पे। अब वहां पे जो राजनीति हो रही है उसमें जो मुख्य वार्ताकार थे जिन्होंने 2015 में नरेंद्र मोदी जी के सामने NSCN के नेताओं से समझौते पे हस्ताक्षर किए, RN रवि, अब वो वहां के गवर्नर हैं, बिहार के रहने वाले हैं और इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके हैं पहले। तो अब जो है चूंकि NSCN की मांग है संविधान और झंडे की, जो भारत सरकार मान नहीं रही है, तो अब राजनीति ये हो रही है कि NSCN के अलावा जो दूसरे ग्रुप है वहां नागालैंड में उनको भी खड़ा किया जा रहा है ताकि NSCN के प्रभाव को कुछ न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो मुझे लगता है कि इस पूरी राजनीति का शिकार हो गए हैं भरत गांधी, क्योंकि जो जो ग्रुप इसके पीछे है जिसने अपहरण किया था शिवाकांत धारे, क्योंकि उससे मामला पेचीदा हो सकता है, लेकिन इतना हम लोगों को पता लगा है कि उस ग्रुप की गवर्नर के साथ वार्ता चल रही है आत्मसमर्पण के लिए। तो अगर आपको मालूम है पूर्वोत्तर में बहुत सारे संगठन हैं और पूर्वोत्तर के अलावा भी जो जो हिंसा का रास्ता अख्तियार करते हैं, जो संगठन कई बार सरकार के साथ उनकी बातचीत होती है और वो आत्मसमर्पण करते हैं, तो वो गवर्नर के बहुत नजदीक है। और अगर गवर्नर चाहे नागालैंड के तो भरत गांधी लौट सकते हैं लखनऊ, दिल्ली, जहां भी जाना चाहे नागालैंड के बाहर। तो इसलिए हम लोगों ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी है, बल्कि मेरी जानकारी यह है कि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं और जो नागालैंड की सरकार है उसको बहुत जानकारी नहीं है इस मामले में, लेकिन गवर्नर को है, क्योंकि जो ग्रुप इसमें शामिल है उसकी गवर्नर से वार्ता चल रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि भरत गांधी को वहां से सुरक्षित पहुंचाया जाए, इसके लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं। और जो एक बड़ा सवाल है पूर्वोत्तर का कि वहां पे जो राजनीतिक अस्थिरता है और तमाम तरह के संगठन हैं जो अपनी स्वायत्तता के लिए, जिसमें एक छोर पे एन एस
SCM है जो भारत सरकार के साथ साझा संप्रभुता की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ वहां पे बोडो लोग हैं जो एक राज्य के अंदर आसाम के अंदर अपने कुछ अधिकार चाह रहे हैं जो उनको पूरी तरह से मिले नहीं है, उनके अलग राज्य की मांग है, और इसी तरह से तमाम वहां पे समूह हैं जो अपनी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। तो पूर्वोत्तर में राजनीतिक स्थिरता आए और वहाँ के लोगों को अपनी इच्छा अनुसार वहाँ की एक शासन व्यवस्था बने जिसमें उनकी पर्याप्त भागीदारी हो ताकि उनको लगे कि ये जो हिस्सा है वो देश का हिस्सा, वो उनका वो भी भारत का एक उसी तरह से हिस्सा है जैसे हम सब लोग अपने को मानते हैं, क्योंकि अभी पूर्वोत्तर भारत में और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ये समस्या है कि वहाँ के लोग अपने आप को पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं मानते, वो अपने आप को इस तरह से देखते हैं कि वो भारत सरकार से संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। बल्कि NSCM तो ये मानता है कि आज तक वो औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा रहा ही नहीं है, क्योंकि किसी भी नागा नेता ने, किसी भी नागा राजा ने भारत सरकार के साथ कोई लिखित समझौता नहीं किया भारत में मिलने का। तो वो मानते हैं कि वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत वहां पे सेना के बल पे राज कर रहा है। तो इन सब समस्याओं का हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूर्वोत्तर में जो हिंसा है और इस तरह की जो घटनाएं हैं और खास करके पूरा जो एक तंत्र है वसूली का, बहुत सारे संगठन ऐसे बन गए हैं जो राजनीतिक उद्देश्य बने थे लेकिन अब सिर्फ वसूली का काम करते हैं, क्योंकि उनको अपने अपने अस्तित्व को कायम रखना है, उन्हें अपनी जो भी खर्चे हैं जिसमें हथियारों का भी खर्चा है वो सारा उनको चलाना है, इसलिए भी वो वसूली करते हैं। मुझे लगता है जिसका शिकार भरत गांधी हो गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वहां से रिहा होंगे। मैं एक थोड़ा संदीप भाई आपसे थोड़ा अलग हट के एक चीज जरा समझ लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपने पूर्वोत्तर, जैसे पूर्वोत्तर एक समय अपने को अलग थलग मानता था, अभी हाल के दिनों में कोरोना ने एक मेरे हिसाब से किया है कि जहां पे स्टेट वर्सेस स्टेट शुरू हो गया है। आज अगर आप दिल्ली रहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकते हैं, वो सील्ड है बॉर्डर। अगर आप दिल्ली रहते हैं तो आप हरियाणा में नहीं जा सकते हैं। तो ये तो पूर्वोत्तर को हम लोग मतलब उस मॉडल अच्छा था जो हम लोग यहाँ उसको उतार ले रहे हैं कि स्टेट वर्सेज स्टेट का जो एक नया शुरू हुआ है, थोड़ा ये भी एक मिनट जल्दी से इसको अगर समाप्त कर। नहीं, ये भी ये बात आपकी सही है कि एक ये नया एक तरीके से, वैसे ये बात नई भी नहीं है, आप देखें तो तमिलनाडु ने बहुत पहले हिंदी के खिलाफ आंदोलन किया जब उनको लगा कि हिंदी जो है एक एक भाषा के रूप में उनके ऊपर थोपी जाएगी, और तमिलनाडु ने बहुत शुरू में यह भूमिका ले ली थी और आज तक उसकी भूमिका है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो तीन भाषा का फॉर्मूला लागू होता है शिक्षा विभाग पे या हमारे शैक्षणिक संस्थाओं पे, उसको तमिलनाडु ने आज तक नहीं माना है। वो कहता है हमारे यहाँ सिर्फ दो भाषाओं का फॉर्मूला चलेगा। और इस तरह से अलग अलग राज्यों ने कई बार अपने अलग अलग अधिकारों की मांग की है। सिद्धारमैया जी के समय में कर्नाटक ने अपना अलग झंडा बना लिया था। तो कुछ हद तक तो ये स्वायत्तता अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में हम मानते हैं कि निर्णय जितना नीचे से नीचे हो सके उतना होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा भी ना हो कि टकराव की स्थिति उत्पन्न हो, ये देखने की किया था तो भाषा के अगेंस्ट था जब सिद्धारमैया जी ने कहा तो उनका निशान की बात थी। बात यहाँ ये हो रही है कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मेरा जहां मन करे वहां मैं रहूंगा, जहां मुझे नौकरी लगे वहां मैं करूंगा। लेकिन अभी हाल के दिनों में अगर आप मुझे एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी नहीं जाने देंगे, अगर आप ये कहेंगे कि मुझे यहाँ से कहीं और जाना है तो यहाँ से एक NOC लेना होगा, तो ये कैसे चलेगा? ये कोई भाषा की बात नहीं है, मेरा तो राइट टू मूवमेंट की बात हो रही है भाई, आप मेरे इस अधिकार को कैसे वो कर रहे हैं। जी जी, नहीं ये बात आपकी सही है। ये जो एक एक भावना पैदा हो गई है, वो जिस किस्म की राजनीति देश में चल रही है, मुझे लग रहा है उसी का ये विस्तार है। जो राजनीति है वो आपको मालूम है कि वो हिंदुत्व की पहचान को एक तरीके से स्थापित करने की राजनीति हो रही है, और उसमें
वो ये जो एक विचारधारा है दूसरी विचारधाराओं पे हावी होने की कोशिश कर रही है, तो ये तो एक इसका आप समझिए कि एक स्वाभाविक इसकी ये प्रक्रिया है। इसमें इस तरह की पहचानों को लेके और भी लोग अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ेंगे ही, और उसी में ये हो रहा है कि अब राज्य भी अपने आप को वो एसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अलग पहचान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरीके से केंद्रीय सरकार की विफलता मानी जाएगी कि राज्यों के बीच में जिस किस्म का समन्वय बना के उसको देश को चलाना चाहिए उसमें वो पूरी तरह से नाकाम रही। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल में आपस में अगर कोई प्रश्न हो, नहीं तो इसी आशा के साथ कि भरत गांधी जी को जाने के लिए जो आवाज उठ रही है वो केवल थाली और ताली जब बजी थी तो नागालैंड से लेके वो कन्याकुमारी तक बजी थी, तो शायद भरत गांधी जी को भी छुड़ाने के लिए हम सब लोग की आवाज पूरे देश से उठनी चाहिए। ये आवश्यक है क्योंकि किसी का मौलिक अधिकार के हनन की बात है। डॉक्टर संदीप पांडे से मैं आग्रह करूंगा कि भाई सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से वो इसका पहल करेंगे और प्रयास करेंगे। आप सबका इससे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर पांडे, ये इसके बाद आप इसको अपलोड कर देंगे ना? ठीक से ये तो फेसबुक पे जा ही रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है, वो लोग इसको बाद में कभी भी देख सकते हैं। आप बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संचालन करने के लिए जी। ठीक है, धन्यवाद सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। हाँ हाँ जी जी जी, बहुत बढ़िया रहा। नहीं 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 बहुत